नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया सरकार की तरफ से, सत्ता की तरफ से, और यूं कह लीजिए कि भाजपा की तरफ से। 14 न्यूज एंकरों के खिलाफ इंडिया गठबंधन के घटक दल ने एक ज्वाइंट रिजोल्यूशन पास किया और कहा कि इनके शो का हम बहिष्कार करते हैं, इनके शो में हम नहीं जाएंगे, अपना प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। और भाजपा ने उसके खिलाफ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। आज हम अपने दर्शकों से यह पूछना चाहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी तभी होती है जब हम आपके मन की बात करें, और जब आपके मन की बात नहीं करें तो अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग, यह कैसा सेट फॉर्मूला है, सवाल उठता है। आप टीवी के न्यूज चैनल जितने भी हैं उसमें आप देखिए, चाहे TV9 भारतवर्ष के अमिताभ अग्निहोत्री ही क्यों ना हो, सवाल करते हैं विपक्ष से, इनके जो शो होते हैं उसमें भाजपा से सवाल नहीं होता। मोदी जी के जितने भी प्रशासन है, जो भी कार्यकाल है, उसमें जो घटनाक्रम हुए उसके ऊपर सवाल नहीं होता है, सवाल होता है विपक्ष से, सवाल होता है पिछले शासन में कितने भ्रष्टाचार हुए, और यहां तक ED, IT, जितने भी इनकम टैक्स, CBI सब छापा मारती है पिछले शासन काल में जो भ्रष्टाचार हुए। जो वर्तमान में जो शासन चल रहा है इसमें तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहे हैं। तो विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, सबने ये विचार किया कि TV9 भारतवर्ष हो, आज तक हो, रिपब्लिक भारत हो, या जितने भी न्यूज चैनल हैं, इनके पत्रकारों के जो डिबेट शो है इसमें हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर विपक्ष के जो भी प्रवक्ता होते हैं उनको डांटा जाता है, उनको लपेटा जाता है, जबकि पत्रकारिता का पहला धर्म है सत्ता से सवाल करना। विपक्ष अगर कहीं से कमजोर पड़ रहा है तो उन तमाम सोए हुए छुपे हुए सवालों को जगाना। कहते हैं पत्रकारों के बारे में गूंगे की आवाज है, अंधे की आंख है, ये पत्रकारिता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप याद कीजिए, आज से 12-15 वर्ष पहले जो एक शो आता था आपकी अदालत, जिसमें रजत शर्मा, जो आजकल पद्मश्री भी है, जब वो सवाल करते थे सुनने में मजा आता था, लोग ये कहते थे अब ये मंत्री आया है आपकी अदालत में, अब इसकी धोती खुलेगी, बड़े सवाल होते थे, बड़े टफ सवाल होते थे। परंतु आज की तारीख में वह भी भाजपा के गुणगान गाते हैं। सुधीर चौधरी DNA टेस्ट करते हैं, उस DNA में भाजपा का DNA का कभी जिक्र नहीं हुआ है। विपक्ष का, विपक्ष की जितनी बखिया उधेर सकते हैं। मैं आपको इसलिए कहा, 12-15 साल पहले का दौर जो था, उस वक्त जब ये सवाल करते थे तो हम सब समझते थे, हमारे दर्शक भी, हम भी समझते थे ये पत्रकार हैं, ये सवाल करते हैं। लेकिन उस वक्त यह पता नहीं था कि ये केवल कांग्रेस से सवाल करते हैं, सत्ता से नहीं, ये पक्षकार हैं, पत्रकार नहीं। और जैसे ही भाजपा की शासन आई, इनका नंगा चेहरा सामने आ गया, ये खुल गए। ये उस वक्त भी कांग्रेस से सवाल करते थे और आज भी ये कांग्रेस से ही सवाल कर रहे हैं। सवाल तो ये करते हैं लेकिन चेहरा नहीं बदला, चाहे वो कांग्रेस विपक्ष में आ गई हो अथवा वो सत्ता में आ गई हो। कहने का मतलब यह, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो ये राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बोलेंगे ताकि इनडायरेक्टली भाजपा को लाभ मिले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है, वहां ये बोलेंगे, राज्य सरकार को लतारेंगे ताकि भाजपा को शासन मिल जाए, क्योंकि वहां कांग्रेस का शासन है। बिहार में ये जंगल राज तब तक बोलेंगे जब तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का शासन हो, और जैसे ही भाजपा नीतीश कुमार के गठबंधन में आ जाएगी बिहार पे बोलना ये बंद कर देंगे। ये है टीवी चैनल की सच्चाई। और जब विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं इन्होंने ये फैसला लिया कि हम जो है इनके डिबेट शो में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है कि हम जो है अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर हमला है। अब इसके जड़ में हम आपको लेकर चलते हैं, आखिर जड़ क्या है। आप सीधी दिमाग से सोचते होंगे
कि पत्रकार को पैसा देता है इसलिए पत्रकार बोलता है। पत्रकार को कितना दे देगा पैसा? 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, 4,00,000 रुपये? अच्छा खाना खिला देगा, दारू पिला देगा, यहां तक कुछ गिफ्ट दे देगा पत्रकार को, और पत्रकार जो है बढ़िया सा न्यूज बनाकर टीवी चैनल में ले जाए, और जो वहां के संपादक हैं वह अगर रिजेक्ट कर दे कि ये जो है न्यूज नहीं चलाना है, तब पत्रकार क्या कर लेगा? मेरा सवाल उन व्यवस्था से है कि जहां पर आप सरकारी एड बांटते हैं, जैसे कि आपने स्वच्छ भारत अभियान हुआ, फ्री राशन का हुआ, बहुत तरह की चीजें हैं जो भारत सरकार की योजनाएं होती है, और हजारों करोड़ रुपये एडवर्टाइजमेंट पर खर्च होता है। तो जिस तरह से यूजीसी करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कि तमाम यूनिवर्सिटीज को अथवा कॉलेजेस को बराबर बराबर हिस्सों में ग्रांट देती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर बराबर हिस्सों में राज्य सरकार को जो है पैसे देती है, क्या सरकार सभी चैनल को, जिसमें सोशल मीडिया भी हो, टीवी चैनल्स भी हो, सबको बराबर बराबर हिस्सों में एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकती? अथवा उन्हीं को देगी जो इनके पक्ष में बोलेंगे, उनको 500 करोड़ का, 1,000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, जो इनके पक्ष में नहीं बोलेंगे उनको मात्र 40 करोड़ का देंगे? एनडीटीवी को मात्र 40 करोड़ का मिलता है, और 500 करोड़ 400 करोड़ जो बड़े बड़े रिपब्लिक भारत है, इंडिया टीवी है, इन लोगों को मिलता है, क्योंकि सरकारी एड से संपादक पूरा का पूरा टीवी चैनल खरीद लिए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा धंधा हो चुका है, गंदा है लेकिन यह धंधा है, क्योंकि यहां पर सत्ता के समर्थन में बोली जाती है, सत्ता के समर्थन में प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, और जो सत्ता के समर्थक होते हैं उन्हीं को उन डिबेट शो में आम पब्लिक बनाकर बिठाया जाता है, जो सत्ता के समर्थक होते हैं उन्हीं को राजनीतिक विश्लेषक कहकर जगह दी जाती है, यहां तक वरिष्ठ पत्रकार हम बिठाए हैं, लेकिन वो वरिष्ठ पत्रकार कौन है? भाजपा के समर्थक हैं, वो सवाल नहीं करते, सत्ता से सवाल नहीं करते। आज भी उनको नेहरू याद आते हैं, आज भी उनको स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की शासनकाल याद आती है, लेकिन 2014 के बाद कितनी घटनाक्रम हुई इन वरिष्ठ पत्रकारों को समझ में नहीं आता। माननीय काशीराम जी ने कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वर्तमान शासन प्रणाली में आम जनता का वोट है, 38% वोट पाकर ये सत्ता में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 62% लोग दुखी हैं, इनको वोट नहीं किया है, और टीवी पे वह 62% आम जनता जो व्यूअर्स है उसको ये बार बार दिखाते रहते हैं कि भाजपा ने ये तीर मार दिया, वो तीर मार दिया, और हमेशा केवल विपक्ष और कांग्रेस की बुराई। अगर गुजरात के दंगे की बात करो तो ये 84 के दंगे बता देंगे, यहां तक कि जो मुरादाबाद का दंगा हुआ था 1980 में वो नहीं गिनाएंगे, और जब 1980 में भाजपा का जन्म हुआ था तो कहते हैं कि 1980 में जो मुरादाबाद का दंगा हुआ था उसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं था, अरे उस वक्त पार्टी ही रजिस्टर्ड हुई थी। कुल मिलाकर बड़े से बड़े पत्रकार का चेहरा बदलते हुए ये प्रेशर में होते हैं, ये जवाब नहीं दे पाते, सवाल केवल कांग्रेस से करते हैं, इनको बकायदा एक होमवर्क तैयार करना पड़ता है कि आज विपक्ष वालों से क्या क्या सवाल करेंगे। पिछले 9 सालों से किसी भी टीवी चैनल पर आपने ऐसा शो देखा है कि पिछले 9 सालों में SC ST कमीशन ने क्या किया? क्या आपको पता होगा कि आज के तारीख में SC ST कमीशन के जो अध्यक्ष है उनका कार्य क्या है, वो कितने मामले निपटाए, कितने जो है SC ST समाज में गए, कौन कौन से योजनाओं का उद्घाटन किया? क्योंकि टीवी चैनल ये आपको नहीं दिखाएगी, OBC के जो मसले हैं ये नहीं दिखाएगी, टीवी चैनल हिंदू मुसलमान करेगी और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करेगी, ये इनका कार्य रह गया है। कभी आप जमीन पर जाइए, लोगों से मिलिए, देखिए, फिर पता चलेगा इन टीवी चैनल की सच्चाई। कहने का तात्पर्य यह है कि 62% जो वोट है, जो वोटर है, उनके समाज में क्या घटना कर्म हो रही है, इन टीवी चैनलों को कोई मतलब नहीं, ये केवल नेहरू गांधी गोडसे उसमें उलझा कर रखेंगे, हिंदू मुस्लिम को उलझा कर रखेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान में उलझा कर रखेंगे। यही मोदी जी हैं जो कहते थे
कि गर्दन काट के ले गया पाकिस्तान, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछले 24-26 घंटे से ये इनकाउंटर दिखा रहे हैं। 3 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इन्होंने इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल किया, बकायदा लाइव दिखा रहे हैं। वह लाइव इसलिए दिखा रहे हैं ताकि देश की जनता जहां पर भूख से मर रही है वह भूख से मरता हुआ ना देखकर गोली से मरता हुआ देखे, आतंकवादियों को देखे। ये भूख से मरता हुआ नहीं दिखाएंगे। ये अस्पतालों के बारे में जो जर्जर व्यवस्था है, इन पत्रकारों को इतनी फुर्सत नहीं है किसी अस्पताल में जाएं और वहां पर दिखाएं, डॉक्टरों से सवाल करें। यहां तक किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जो हेड हैं उससे सवाल नहीं करेंगे, ये डॉक्टर से सवाल करेंगे, ये कंपाउंडर से सवाल करेंगे। कंपाउंडर के बस की है ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर देना या वहां का व्यवस्था ठीक कर देना, या किसी डॉक्टर के बस की है, वो तो सैलरी पे काम करते हैं। तो टीवी चैनल ने जो अपना रूप रेखा बदला है, अपना जो रंग बदला है, और इस वजह से 14 पत्रकारों के खिलाफ इंडिया गठबंधन के घटक दल ने जो बायकॉट किया है, जो बहिष्कार किया है, यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, यह सरकार को संदेश है कि ये जितने भी न्यूज एंकर हैं विपक्ष के साथ होकर, जनता के साथ होकर जनता का सवाल करें, सत्ता से सवाल करें, और ईडी आईटी सीबीआई से भी सवाल करें, उनके भी जो डायरेक्टर्स हैं, जो कमिश्नर हैं, उनको डिबेट शो में बुलाएं, उनसे साल भर का रिपोर्ट लें और उसमें ये पूछें कि आपने कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके नेताओं के घर पे छापा मारा, उस रेशियो में एक रेशियो बताइए कि भाजपा के नेताओं के कितने नेताओं के घर पर छापा मारा है, या लिखित में दीजिए कि भाजपा के सभी नेता दूध से धुले हुए हैं, इनमें नेतागिरी वाला कोई गुण ही नहीं है, सबके सब गांधीवादी हैं, बिल्कुल गांधी टोपी लगाकर रखते हैं, सरकार का जो है तनख्वाह भी नहीं लेते, कोई भी फैसिलिटी इंजॉय नहीं करते, ये बिल्कुल जो है साफ सुथरे लोग हैं, ये ईडी सीबीआई आईटी सब लिखित में दे। क्या ये कोई न्यूज एंकर इतना हिम्मत उठाएगा, या किसी न्यूज एंकर में इतनी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री जी से सवाल करे कि आप इस देश के प्रधान हैं, कम से कम साल नहीं 6 महीने में ही, साल भर में ही एक बार प्रेस के सामने आइए, इन 14 पत्रकार हैं आपसे सवाल करेंगे। आम जनता के मन में बहुत सारी सवाल चल रही है, आप बहुत सारी मन की बात कर लिए, अब जनता की मन की भी सुन लीजिए। जनता के मन में फला फला सवाल है, हम आपसे सवाल पूछते हैं, उसका जवाब दीजिए। क्या ये न्यूज एंकर ऐसा कर सकते हैं? तो कहने का मतलब यह है, न्यूज एंकरों के खिलाफ ये इंडिया गठबंधन का ऐलान नहीं है, बल्कि उन पक्षकारों के खिलाफ ये ऐलान है जो पक्षकार केवल भाजपा का पक्ष रखते हैं और विपक्ष को जो है अटैक करते हैं, उसके ऊपर सवाल करते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है, वहां पर कांग्रेस क्या कर लेगी? कांग्रेस चीखेगी, चिल्लाएगी, हल्ला गुल्ला करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वहां पर विपक्ष क्या करेगी? अखिलेश यादव जी केवल रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। बहन मायावती जी ट्वीट करती हैं, वो सवाल करती हैं, क्योंकि काफी सारे सालों से वह विपक्ष भी नहीं है, उनके पास जो है विधायक सांसद की संख्या कम है, सांसद में जाकर इनके 10 सांसद सदस्य जो हैं जाकर सवाल करते हैं, उनके सवालों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो इनके विधायक हैं सवाल करते हैं अपने क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों के लिए, सत्ता से सवाल करते हैं। और ये जो वर्तमान मीडिया है, जो टीवी चैनल, कभी बसपा को दिखाते हुए देखा है? ये बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है और इनके नेता इनको दारू नहीं पिला सकते, पत्रकारों को भी नहीं पिला सकते। प्रश्न यहां पर यह उठता है कि जब ये खिला नहीं सकते तो इनको बुलाएंगे क्यों? तो इसका मतलब ये धंधा है, और ये जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं ये धंधेबाजों के पास क्यों जाएं? अगर कोई पत्रकार इनसे सवाल करता है उसको ये सहर्ष स्वीकार करते हैं। आप कभी भी बसपा के नेता के पास चले जाइए, कांग्रेसी नेता भी भगाते नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता भी भगाते नहीं है किसी पत्रकार को, केवल भाजपा के नेता के पास जाएंगे तो वह आपसे क्या कहेंगे कि जो जो सवाल करना है पहले से हमको दे दो, और जब आपने जो है सवाल कर लिया, जो हमारा वीडियो बनाया है वो तमाम इंटरव्यू को हमको दिखा दो ताकि कुछ गलत मैसेज ना चला जाए। आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने इन 14 पत्रकारों को बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन
क्या इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाएगी? क्या इनके पास अपना संदेश भिजवाने के लिए केवल सोशल मीडिया ही सहारा रहेगा? क्या सोशल मीडिया से ये उतना इफेक्टिव अपना संदेश पहुंचा पाएंगे आम जनता के सामने? यह मुख्य प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 न्यूज एंकर जिनके खिलाफ ये बहिष्कार किए, उनका डिबेट शो का क्या होगा? क्योंकि उनको एक लतारने के लिए व्यक्ति चाहिए। कारण क्या है कि विपक्ष को वो लतारते हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो उनको कोसते हैं, न्यूज एंकर उनसे सवाल करते हैं, और वहां पर भाजपा के जो समर्थक होते हैं, भाजपा के प्रवक्ता, वो गदगद होकर बैठे हुए रहते हैं। यही पूरा सीन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसको ये लतारेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के घटक दल अब इनके पास जाएंगे नहीं, और इंडिया गठबंधन ने 14 न्यूज एंकरों के खिलाफ जो रिजोल्यूशन पास किया है, उनके बहिष्कार का जो बात किया है, उनके पास ये नहीं जाएंगे, तो फिर अपना संदेश भेजने का, जनता तक पहुंचने का इनका तरीका क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी काफी दिनों से ये रोना रोती आई कि हमारे पास मीडिया को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास अर्थ शक्ति नहीं है, हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है कि हम जो है चुनाव प्रचार करेंगे। क्या चुनाव आयोग इसके ऊपर विचार करेगा कि जो विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं उनकी संदेश तो जनता के बीच जा नहीं रहा? क्या जनप्रतिनिधि कानून में ऐसा कोई है प्रोविजन जहां पर विपक्ष भी नजर आए? क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव तो आपको निष्पक्ष बोलना ही पड़ेगा, चाहे आप पक्षपात करते हो। चुनाव आयोग सत्ता के बिल्कुल मुट्ठी में है, ये न्यायपालिका को भी मुट्ठी में करने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक मुट्ठी में नहीं हो पाई है, टसल चल रहा है। प्रश्न यहां पर यह उठता है, ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त तक, सब कुछ इनके हाथ में होता है। जब हमारे पुराने मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा में गए थे, राज्यसभा के सदस्य बने थे, तो यह कहकर कि हम राज्यसभा में, संसद में न्यायपालिका के समस्याओं को उठाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं उठाया। चुनाव आयुक्त का जब नाम आता है तो अनायास याद आ जाता है टीएन सेशन का, जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे। टीएन सेशन से राजनीतिक दल घबराते थे, टीएन सेशन सबको यानी बाघ बकरी को बिल्कुल एक घाट में पानी पिला दिया था। क्या आज का चुनाव आयुक्त बिल्कुल टीएन सेशन जैसा है? अगर ये राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, जिन्होंने अभी न्यूज एंकर का बहिष्कार किया, हो सकता है कल को इनका रिजोल्यूशन आ जाए कि हम टीवी चैनल पर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये टीवी चैनल वाले जो हैं पक्षपाती हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, केवल हमें लतारते हैं। जबकि टीवी चैनल का काम है सत्ता से पूछना, सत्ता के जितने भी प्रवक्ता आते हैं उनसे सवाल करना, और जहां जहां विपक्ष कमजोर पड़ रहा हो सवालों में या जवाब देने में, उसके बगल में खड़े हो जाना। परंतु ऐसा कार्य कोई भी टीवी चैनल के न्यूज एंकर ने नहीं किया। यहां पे प्रश्न ये उठता है कि आने वाला चुनाव का रूप रेखा कैसा होगा, रंग कैसा होगा? क्योंकि विपक्ष अगर बिल्कुल नग्न हो जाता है, नजर नहीं आता, या विपक्ष यह सोचता है कि हम जनता के बीच ही चले जाते हैं, हम बैनर बोर्ड आउटडोर पब्लिसिटी के जरिए ही चुनाव लड़ेंगे, टीवी चैनल पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, तब ये क्या करेंगे? ये हजारों करोड़ रुपया इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है टीवी चैनल्स के ऊपर, टीवी चैनल के मालिकों के ऊपर। और तो और, पिछले दिनों आपने देख लिया होगा, गौतम अडानी जी ने एनडीटीवी को खरीद लिया, तो जाहिर सी बात है अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन मीडिया चैनल्स को खरीद रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो दम है, कुछ तो पावर है। और सत्ता ये चाहती है कि मीडिया के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए लोकतंत्र को खत्म कर दे। तो भाजपा किस मुंह से बोलती है कि अब लोकतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं? किस संविधान की बात करते हो, जिस संविधान को पिछले 9 सालों में आपने निचोड़ के रख दिया, आपने मनमाने ढंग से चलाया, कहीं से भी संविधान नहीं माना। आज जब विपक्ष आपसे कटने लगा, मुंह मोड़ने लग गया, तो आप संविधान की बात करने लगे। कल को जनता अगर ये इसी तरह से सामने आ जाए, सड़कों पर आ जाए कि ठीक है आप चुनाव एक तरफा करवा रहे हो, तो हम चुनाव में भाग ही नहीं लेते, हम वोट डालने नहीं जाते, तब क्या होगा? ये तो शुरुआत है। तंग आकर विपक्ष के राजनीतिक दल ने कभी अभी 14 न्यूज एंकर का ही बहिष्कार किया है, ये टीवी चैनल का भी बहिष्कार कर सकते हैं। ये आम जनता के सामने बहुत बड़ा सवाल है। विपक्ष के द्वारा
न्यूज चैनल, न्यूज एंकर का विरोध, ये सब भाजपा की कारगुजारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही संदेश दिया, अहम ब्रह्मोऽसि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, आकाश पाताल धरती सब कुछ मैं ही हूँ, ये इन्होंने संदेश दिया। भाजपा ने यह बार बार कहा कि 2050 तक हम ही रहेंगे, और पिछले दिनों 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 2024 में प्रधानमंत्री हम ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर इनको फुल कॉन्फिडेंस है कि मीडिया मेरे हाथ में है, मीडिया मेरी भाषा बोलती है, आम जनता वो सुनेगी, हमें ही वोट देगी, और अंदर खाते अगर कुछ गड़बड़ भी कर लेते हैं तो मीडिया उसे ढक दिया करेगी, ये इनकी पूरी प्लानिंग होती है। लेकिन मीडिया के पास विपक्ष ही ना जाए, और आम जनता के घर में टीवी लगी हुई है, अगर आम जनता उस टीवी का स्विच ऑफ कर दे तब क्या होगा? कभी आपने ये सोचा है कि आम जनता भी तो एकजुट हो सकती है? एक वक्त था जब कहा गया था सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है, ये जेपी आंदोलन से पूर्व यह आवाज दी गई थी, और जयप्रकाश नारायण जी ने यह आवाज दिया था। राइट टू रिकॉल भी हमारे देश में है, उसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। सब कुछ है इस देश में, संविधान में भी सब कुछ है, बस आम जनता जाग नहीं रही है। ये पूरा देश का जो बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जहां पर थोक में वोट हैं और थोक में ही उसके अधिकार भी छीने जाते हैं, जहां थोक में वोट है बिल्कुल होलसेल के हिसाब से, वहीं पर होलसेल के हिसाब से उनके अधिकार भी छीने जाते हैं, उनके ऊपर दमन भी किया जाता है और उनसे वोट भी लिया जाता है, उनको ध्रुवीकरण भी किया जाता है। यानी चुनाव आएगा, ये तमाम लोग हिंदू हो जाएंगे, हिंदुत्व तो जाग उठेगा इसी मीडिया के वजह से, और जैसे चुनाव खत्म, ये हिंदुत्व खत्म, और हिंदू जो है वो जातियों में बट जाएंगे, फिर जो है अलग अलग जातियां होगी, यहां तक एससी एसटी का एक अलग कुनबा होगा, ओबीसी में भी दो कुनबे होंगे, एक पिछड़ा वर्ग एक अति पिछड़ा, उसमें भी कई पार्ट हैं, और अल्पसंख्यक वो मुसलमान बन जाएंगे, कुछ सिख ईसाई, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो कोई पूछता ही नहीं क्योंकि नजर ही नहीं आते। तो मीडिया आज तक किसी बौद्ध धर्मी किसी जैन धर्म वाले को अपने डिबेट शो में नहीं बुलाया। अगर कोई जो है सिख समाज के लोग हैं उनको किसी पार्टी के राजनीतिक दल के नेता के रूप में बिठाते हैं, यह नहीं कहते कि ये अल्पसंख्यक है, किसी भी आपने डिबेट शो में नहीं देखा होगा कि सिख को अल्पसंख्यक बताकर बिठाया गया हो, जैन बौद्ध को, कभी कभार क्रिश्चियन के काट को बिठा लेते हैं जब बात मामला आता है धार्मिक तो, लेकिन धार्मिक मसले केवल ये हिंदू और मुसलमान करते हैं क्योंकि इन्हें राजनीति करनी होती है। मीडिया अपने कार्यक्रम अपने पथ से भटक चुकी है, और आम जनता अब बहुत जल्दी इन्हें संदेश देने वाली है कि ऐसी मीडिया की हमें कोई जरूरत नहीं जो सरकार की भाषा बोले। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।